आवाज की मलिका लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन। आवाज की मलिका और भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार सुबह 8:12 में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। वह कोकिला मंगेशकर को कोरोना की बीमारी के कारण 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब होने के बाद उन्हें फिर से वेंटिलेटर में रखा गया था और शाम को उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक चंदानी ने बताया था कि दवा अपना असर कर रही है, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। मुबारक है तुम्हें कि तुम सम्राट जी का हाल जानने के लिए कल से ही लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे सबसे पहले उनका हाल जानने के लिए गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी भी अस्पताल गई थी। आज उनका हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, गायक उदित नारायण, बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया ने सुश्री मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सुश्री लता जी ने संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान की। लता जी करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि पिछले 80 वर्ष से सुश्री लता जी लोगों के कानों में रस घोलती थी, हम सब उनकी ऋणी हैं। उनके आवाज में एक जादू था, जो भी उनके गाने सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे देश में धरती का स्वर्ग कहे जाना वाला कश्मीर है और एक ताजमहल है, उसी तरह एक लता मंगेशकर हैं। उन्होंने कहा कि हमने संगीत जगत का कोहिनूर खो दिया, लता जी जैसे कोई नहीं। आवाज की मलिका लता के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मालिनी ने कहा कि मेरी फिल्मी करियर में लता दीदी का बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी आवाज मेरे फिल्मों में होने से काफी मदद मिलती थी। वे आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारी उनकी व्हाट्सएप पर बातचीत होती रहती थी। वे मुझे कहती थी कि उनको मेरा नृत्य बहुत पसंद था और मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद थी। उन पर तो सरस्वती का वरदान था, उनको आज पूरी दुनिया याद कर रही है। सुश्री लता जी के बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा कि सुश्री लता जी एक महान गायिका थी, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे कलाकार हैं।
गायिका शुभा मुद्गल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। सुश्री लता मंगेशकर ने फिल्मों में हर दौर की मशहूर अभिनेत्रियों के लिए गाना गाया था। उन्होंने मधुबाला से माधुरी दीक्षित तक के लिए गाने गाए थे। स्वर कोकिला का अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क में किया जाएगा। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले।